वेलकम टू किचन विद साइमा तलवीर। आज हम बना रहे हैं शिमला मिर्च कीमा। तो ये बिल्कुल थोड़े से मसालों से बनेगा और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। सामान मैं आपको बता देती हूँ। मैंने तकरीबन 1.5 पाव चिकन का कीमा ले लिया है। 3 पाव मेरे पास शिमला मिर्च है, जिसको मैंने ये छोटे क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लिया है। 1/2 कप मैंने ऑयल ले लिया है। ये मसाला लिया है मैंने, 2 दरमियानी प्याज लिए हैं मैंने रफ़ कटिंग की है, 1 टमाटर लिया है बड़ा उसको भी रफ़ कटिंग किया है, 3 सब्ज़ मिर्च लिए हैं ये भी रफ़ कटिंग कर लिए हैं। इनको मैं चॉपर में डाल दूँगी। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है सूखा धनिया, 1 चम्मच लिया है मैंने अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर 1/2 चाय का चम्मच लिया है मैंने ज़ीरा, और 1 बड़ी इलायची ली है। 1 चम्मच इसमें जाएगी लहसुन मिर्च, 1/2 चाय की चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक, 1/2 चाय की चम्मच कलमची। ये अब तमाम मसाले हम ग्रैंड कर लेंगे। ये 1/2 कप ऑयल हम इसमें डाल देंगे। ये जो हमने जीरा और बड़ी इलायची ली थी, ये सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसीलिए हमारा उधर ज़ीरा फ्राई हो रहा है, इधर हम शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे। ये मैंने एक पैन ले लिया है, 1/2 कप ऑयल में इसमें डाल दूँगी। फ्राई करने से शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि अगर हम उसको मसाले के साथ भून देंगे तो उसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। ये सारा मैं इसमें डाल दूँगी। तो एक दफ़ा चम्मच से अच्छे से हिला के और हम हल्की आँच पे इसको हिला देंगे। जीरा हमारा भून चुका है, अब ये जो हमने मसाला चॉप किया है ये मैं इसमें डालूंगी, तो अच्छे से भून। ये देखें, इसको हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, जैसे ही थोड़ी सी इनमें से अच्छी से खुशबू आने लगेगी और ये हल्की सी नरम होगी तो हम इसको इसका फ्लेम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा मसाला भून चुका है, जो हमने प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्च का डाला था। अब यहाँ पे हम ये लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, साथ ही हम ये अपने सारे मसाले शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। अच्छे से भून चुका है, अब इस यहाँ पे मैं कीमा ऐड कर दूँगी। ये हमने जो 1.5 पाव कीमा लिया था इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए हमारी शिमला मिर्च तकरीबन रेडी हो चुकी है, अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी इसका। ये देखिए मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, कीमा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, उसको भून के जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, कीमा अच्छे से भून चुका है। ये इस स्टेज पे आके आप 1/2 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर डाल दें, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, इससे ये है कि इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। देखिए कीमा अच्छे से रेडी हो चुका है, अब यहाँ पे हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये खा देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ हम उसको तड़के लगा देंगे। अगर हम इसको फ्राई ना करते, शिमला मिर्च को वैसे डालते थे तो इसका पानी जल्दी
फ्रेंड्स।